आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुतलाशियाने रोजगार को सेक्रेटरिएट में पीए की मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देने वाले दो मुलजिमीन गिरफ्तार। दो रुकनी टोली 70 लाख रुपए की धोखाधही में मुलविस। कमिश्नर पुलिस रक्षा कोंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। आरजीआईए पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में पुलिस ने किया कॉर्डन सर्च। मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। लावारिस गाड़ियां की गई जब्त। सीसीएस मलकाजगिरी मतलूब सारखीन की टोली को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। 29 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। चौबीस घंटे बरखी सरबराह करने के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद। रियासती वजीर के टी रामाराव का पार्टी वर्कर्स से खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। सीसीएस मलकतगिरी ने बाबसूख के तिला पर कार्रवाई करते हुए दो सारखीन के मुंजिम लायक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 14,400 रुपए मालियती अशिया बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 25 साल एक गदैया मुतवतिन करनूल और 45 साल एम शंकर मुतवतिन करनूल कई सरखे की वारदातों में मुलविस हैं। मस्करा मुजरिमीन के खिलाफ मेरिनमेड पुलिस स्टेशन में 11, मलकजगिरी में 8, मेडपल्ली में 5 और कीसरा में 5 केसेस दर्ज हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सीसीएस मलकजगिरी की जानिब से की गई कार्रवाई की वो सिताइश करते हैं। కేజీ పైన సిల్వర్ 2 ల్యాప్టాప్స్, ఒక శాంసంగ్ టీవీ ఎల్ఈడి, 4 కెమెరాలు, ఒక హ్యాండిక్యామ్, 7 రిస్ట్ వాచెస్, ఒక గోద్రేజ్ రిఫ్రిజిరేటర్, మోటో ఇంపోర్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఆటోరిక్షా. ఈ క్రైమ్ కోసం వాడిన ఆటోరిక్షా ఈ మొత్తం 14,10,000 వర్త్ ప్రాపర్టీ అది. ఈ కేసులో రికవరీ అయింది. ఈయనతో పాటు ఇంకో ఒక ముంగా శంకర్ అని ఈయనప్పుడు సేమ్ కర్నూలు జిల్లా నివాసి, ఈయన కో యాక్యూస్, ఈయన మాత్రం కరార్డ్ అవుతుంది. సో ఆయన కోసం ఇప్పుడు గాలింపు జరుగుతున్నాయి. नवीनपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जात नागबौली दबीरपुरा रेलवे स्टेशन याकूतपुरा के अलावा दबीरपुरा में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के खास डीसीपी साउथ बी सत्या नारायणा ने की। इस मुहिम में तकरीबन 250 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 80 बाइक्स के अलावा 3 ऑटोस को भी जो बगैर दस्तावेजात के थे उन्हें जब्त किया गया। 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ किया गया और 6 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में लिया गया। मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में मालूमात भी हासिल की गई। तलाशी मुहिम सुबह 5:30 ता 7:45 तक जारी रही। बाद में डीसीपी साउथ ने मीडिया को तफसील बताई। టాబ్లో
कई दिनों से यादवपुरा जबीरपुरा पलकनामा उत्तुगुड़ा ये चार रेलवे स्टेशन के अंदर कुछ गलत लोग वैगाबॉन्स पत्थर से मार रहे हैं और रेलवे ट्रैवलर्स को बहुत चोट लग रहा है और मीडिया ने बहुत बहुत क्या किया आगे। अभी रेलवे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हदूद में वाक़े सिद्धांती में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की क़यादत DCP शमसाबाद जोन PB पद्मजा ने की, जबकि 210 पुलिस अहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि लावारिस गाड़ियों को भी जब्त किया गया। 1 KD और 6 टॉटर्स को भी जब्त किया गया, जबकि बगैर हेलमेट वाली 3 कारों को पुलिस ने हिरासत में लिया जो एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क की हुई थी। We have rescued, we have taken from the airport. But number plates and car number more identified here in the building. And we properly verify this and then we dispose to the airport. And apart from this, suspects under the program and the technology used to see total the Oka Malguru Manchuri Mantis Kuchan. We have Muguru suspects in the Oka KD, the local area in the KD. We verify this present doings and the current demand verify this from the channel. सेक्रेटेरिएट में PA की हैसियत से मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए 2 रुकनी टोली ने मुतलाशियाने रोजगार को तकरीबन 70 लाख रुपए की धोखा दही दी। कमिश्नर पुलिस चकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 29 साल मोहम्मद किफायत अली मुतवतिन वरंगल और 34 साल शेख मोहियुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 3 मोटर गाड़ियां और दीगर अशिया जुमला मालियती 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया कि मस्कुरा टोली ने तकरीबन 20 ऐसे अफराद को मुलाजिमत का झांसा दिया जो रोजगार की तलाश में थे। इस 2 रुकनी टोली के सरगना किफायत अली का पहले ही से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। ప్రస్తుతం మన 3 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశారు. ఒక కేస్ ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో, ఒక కేస్ మట్టివాడ వరంగల్, ఇంకొక కేస్ అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్. ఈ మొహమ్మద్ కిఫాయత్ అలీ సనబ్ మొహమ్మద్ సాదిక్ 29 ఇయర్ వయసు, అబుల్ అస్నాద్ కాలనీ కామాటిపురా బహదూర్పుర పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ హైదరాబాద్. ఇలా నేటివ్ వచ్చేసి మండి బజార్ వరంగల్. ఈయన నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు అడ్వైజర్కి అసిస్టెంట్ PA అని ఈ కార్డు ప్రింట్ చేశారు. తర్వాత అక్కడ ఈ బహదూర్పురాలో అంటే కామటిపురాలో ఉన్న ఇంట్లో కూడా బోర్డు ఉంది, అక్కడ వరంగల్లో కూడా బోర్డు ఉంది. ఇది తక్కువ ఒక కార్ సీనియర్ సాఫీ ఖురమ్ నఫీస్ కి ఖిదమాత్ కో خراج پیش کرنے کی غرض سے اردو جرنلسٹ فورم کی جانب سے اور میڈیا پلس کے اشتراک سے جلسہ تعزیت کا انعقاد میڈیا پلس آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ جلسہ تعزیت کی صدارت کوہنہ مشہ صحافی چندر شریواستو نے کی، جبکہ سینئر صحافیوں سید فاضل حسین پرویز، طاہر رومانی، عزیز احمد، ایف ایم سلیم کے علاوہ مینیجنگ ایڈیٹر رہنما دکن محمد احمد اور دیگر نے خطاب کیا۔ خرم نفیس کو
زبردست خراج پیش کیا گیا جبکہ ان کی صحافتی خدمات کی ستائش کی گئی۔ فورم کے حرکیاتی ذمہ دار غوث محی الدین نے مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم کیا جبکہ سینئر صحافی فیض محمد اصغر نے کارروائی چلائی۔ اس موقع پر سینئر صحافیوں سید جعفر حسین، سید زین العابدین، عبدالحامد منان، نعیم غوری، احمد مکیش کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حبیب محمد نے شدید تشکر پیش کیا جبکہ دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ دوسروں کو بھی تیار کریں گے، میں سب میں بڑا شیر ادا کرنے کے لیے تیار، حصہ لینے کے لیے تیار، لیکن مجھے بتائیے کیا ایسی یادگار کیا ہوگی جو خرم نفیس کو کی یاد کو، اس کے خدمات کو، اس کے کارناموں کو، اس کے نثار کو یاد رکھے۔ صبح بہتر ہے، آج کوئی یونیورسٹی گولڈ میڈل کے لیے پیسہ قبول نہیں کر رہی۔ آپ سوچیے، فوری فیصلہ مت لیجیے، لیکن آپ سوچیے، سوچ کے کہیے کہ پروجیکٹ کیا ہے آپ کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایس ایس سی نتائج میں بہتر مظاہرہ کرنے والے منتخب طلبہ اور اساتذہ کو اردو مسکن خلوت میں تہنیت پیش کی گئی۔ اس پروگرام کو کانفیڈریشن آف مائنارٹیز انسٹیٹیوشنز کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا جس میں ڈی سی پی ٹریفک کے بابو راؤ مہمان خصوصی تھے۔ ایس ایس سی میریٹوریس اوارڈز فنکشن میں جناب خلیق الرحمان کے علاوہ مخدوم علی خان، ادریس شریف، سید سراج، محمد مستان اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر بعض صحافیوں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ سوچھ بھارت پروگرام کے تحت چارشنبے کو مادنہ پیٹ منڈی میں صاف صفائی کے کام انجام دیے گئے۔ اس پروگرام کو مشترکہ طور پر مادنہ پیٹ پولیس اور کمیونٹی پبلک سروس کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ نے شرکت کی جبکہ انسپکٹر مادنہ پیٹ بی ناگیش اور ان کے عملے نے صاف صفائی کے کاموں میں حصہ لیا۔ سرگرم مجلسی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈاکٹر سمینہ آج محترم خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے پورا ایریا میں سوچھ بھارت پروگرام رکھا گیا اور الحمد للہ سب انسپکٹر بھی اٹینڈ کیا، پورے ایس آئی اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور جس کے جی ایچ ایم سی کے جو بھی لوگ ہیں صاف صفائی کے نالے پہ تھے اور الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے منایا۔ ہم سب کو اویئرنیس پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے صاف صفائی بہت ضروری ہے صحت کے لیے، کیونکہ اگر آپ نیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کو بیماری آنے کا شبہ رہتا۔ عاشور خانہ حسینی دارے میر امر رحمۃ اللہ علیہ سے غلاف مبارک اور چادر گل مزار حضرت میر مومن رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کی گئی۔ بعد ازاں جشن منعقد کیا گیا جس کا اہتمام نواب میر حسین علی خان نے کیا تھا۔ اس جشن میں ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنہ، ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون غوث محی الدین کے علاوہ سابقہ ایم ایل سی اور مجلس قائد سید الطاف حیدر رضوی نے شرکت کی۔ ولادت باسعادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام منعقد کیا جاتا ہے۔ عاشور خان حسینی سے چادر گل جو ہے درگاہ حضرت میر مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر ان کے بارگاہ میں چادر گل پیش کی جاتی ہے اور یہ جشن کا اہتمام جو ہے ہر سال کیا جاتا ہے، جس کو عقیدت سے مومنین کافی یہاں پر اس میں حصہ لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور یہ تاریخی دائرہ میر مومن جو میر مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب سے 450 سال پہلے اس کو قائم کیا تھا اور یہاں پر متبرک کربلا مولا کی
یہاں پر مٹی منگوائی گئی تھی اور یہاں پر اس کو تمام جو قبرستان ہے اس میں پھیلائی گئی. تو یہاں پر برسہ برس سے جو ہے لوگ عقیدتاً حضرت کے مزار پر آتے ہیں اور یہاں پر یہ ہر سال جو ہے اس جشن کا اہتمام بسلسلہ ولادت امام زمان علیہ السلام منعقد کیا جاتا ہے. کانگریس پارٹی چھوڑ کر آئے سینکڑوں قائدین اور کارکنیں ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر کے ٹی راما راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت نہ صرف کسانوں کو بلکہ ریاست کے ہر شہری کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کر رہی ہے. وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے سینکڑوں کانگریس قائدین جنہوں نے کانگریس پارٹی سے حال ہی میں استعفیٰ دے دیا تھا ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس بھون میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور تلگو دیشم پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں کانگریس اور تلگو دیشم دور اقتدار میں کسانوں کو 9 گھنٹے برقی بھی سربراہ نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت نہ صرف کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کر رہی ہے بلکہ ریاست کے ہر گھر کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے ہر شہری خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے. 6 నెలలు తిరగక ముందే మొట్టమొదటి సమస్య కరెంటును అద్భుతంగా పరిష్కరించుకొని ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఈ వాళ్ళ ఈళ్ళకు వాళ్ళకని కాదు 24 గంటల కరెంటు అందరికి రైతులతో సహా అందరికీ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ మాత్రమే అని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఒక రైతాంగం విషయమే తీసుకుంటే మీరు అందరూ అమ్మకొండలు కావచ్చు పట్నపోలు కావచ్చు కానీ అందరు రైతన్న బిడ్డలే. ఏదో ఒక మూల మళ్ళందరికి కూడా భూ ఎత్తే రైతే. ఒకసారి అందుకే ఆ భూ ఎత్తే రైతు గురించి ఆలోచిస్తే ఏం పరిస్థితి అన్నాడు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కరెంటు దిక్కులేదు, 25 లక్షల బోరువెళ్ళు ఒకటి కాదు రెండు కాదు తెలంగాణలో కాలువల వ్యవసాయం చేయక ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రాజెక్టులు కట్టక ఏ సతాయించినైతే సతాయించినరో. ఏది చూసైతే మన జయశంకర్ సార్ లాంటి మేధావులు తెలంగాణ ఉద్యమం జరగాలి తెలంగాణ రావాలని కోరుకున్నారో ఆ ఆలోచన నీళ్ల విషయంలో ఏనాడు న్యాయం జరగలే. سابق مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی قائد شاہنواز حسین نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کرناٹک میں بی جے پی حکومت تشکیل دے گی، اس کے بعد تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی باری ہے. انہوں نے وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان سے ریاست تلنگانہ نہیں سنبھل پا رہی ہے اور وہ قومی محاذ تشکیل دینا چاہتے ہیں. سابق مرکزی وزیر و سینئر بی جے پی قائد شاہنواز حسین نے حیدرآباد میں پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا کہ کرناٹک میں بی جے پی ہی حکومت تشکیل دے گی، جس کے بعد جنوبی ہند کی 2 ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی باری ہے، جہاں 2019 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں بی جے پی دونوں تیلگو ریاستوں پر قبضہ کرتے ہوئے برسر اقتدار آئے گی. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے تیسرے محاذ کے قیام پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ریاست ہی نہیں سنبھالی جا رہی ہے اور وہ قومی محاذ قائم کرنے میں مصروف ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے سامنے کوئی محاذ ٹکنے والا نہیں ہے. اس موقع پر بی جے پی فلور لیڈر کشن ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے. جیت کا سکسر تو بہت دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن راہل گاندھی کرناٹک میں چھٹی ہار ادھیکش کے طور پر ان کے گلے میں آنے والی ہے. راہل گاندھی کو اب کرناٹک میں سرکار بی جے پی کی بنے گی اس میں ان کو شک نہیں لگتا ہے، اس لیے اس ہار کے بعد کانگریس میں بغاوت نہ ہو، ان کے نیتروتو پر سوال نہ اٹھے، اس لیے یوجنا ود طریقے سے وہ خود بخود ان کے پارٹی میں بھی کوئی ویکتی نہیں مل رہا جو ان کی وکالت کرے، اپنا مقدمہ خود ہی لڑ رہے ہیں راہل گاندھی.
कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूँ। राहुल जी, देश की जनता आपको किसी पद पर बैठाने को तैयार नहीं है। 13 जगह हारे, 5 जगह अध्यक्ष के तौर पर हारे, कहीं भी एक राज्य में जिताते, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है कांग्रेस में। 13 जगह हारे तो उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बना दिया, अब उनको लगता है कि सोनिया जी का आशीर्वाद है। कर्नाटक हारेंगे तो 6 जगह हो जाएगा, तो हर हार के बाद प्रमोशन तलाशते हैं राहुल गांधी। लोग जीतने के बाद प्रमोशन तलाशते हैं, ये हारने के बाद प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसे अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो 2024 तक नहीं है। कहां का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप? भारत में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो लगातार राज्यों में विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिल रही है। हाँ, कहीं बाई इलेक्शन होते हैं, उसके स्थानीय कारण होते हैं, एकाग रिजल्ट हमारे पक्ष में ना आया हो, लेकिन जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आम चुनाव विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला है। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को मुखालिफ किसान जमात करार देना मुजिका खैज बात है। उन्होंने बताया कि मुल्क की आजादी के बाद किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो काम कांग्रेस ने किए शायद ही किसी दूसरी जमात ने किए होंगे। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शरवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए जय जवान जय किसान का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को मुखालिफ किसान जमात करार देने की बात को मुजहका खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो काम कांग्रेस ने किए हैं वो शायद ही किसी दूसरी सियासी जमात ने किया हो। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को फी एकड़ 4000 रुपये हुकूमत की जानिब से जो दिए जा रहे हैं उसमें इजाफा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि रियासत के किसानों को काश्त करने के लिए फी एकड़ 8000 रुपये के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिसको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। ఇవాళ కేసీఆర్ గారు 4000 రూపాయలు కాదు ప్రతి ఎకరాకి, 40000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరాకి ఇస్తే కూడా ఆయనకు పాప పరిహారం జరగదు, ఆయనకు మోక్షం లభించదు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట అంటా ఉన్నామంటే, కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో రైతులు కూడా సడక్ బంద్ అన్నా, రైల్ రోకో అన్నా, బస్ బంద్ అన్నా, రోడ్డు బంద్ అన్నా, రోడ్ల మీదకి వచ్చి రకరకాలుగా ఉద్యమాలు చేసినట్టు ఒక రైతన్నా అప్పుల పాలై విత్తనాలు దొరకక. रियासी वज़ीर-ए-ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 10 मई जुमेरात को रियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में मुनक़िद एक तकरीब में किसानों को फी एकड़ 4000 रुपये के चेक्स और पट्टा पासबुक तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा है किसानों को फी एकड़ 4000 रुपये की फराहमी के इकदाम की मुल्क भर में सितायश की जा रही है। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि 10 मई बरोज़ जुमेरात को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद में मुनक़िदा तकरीब में किसानों को फ़ी एकड़ 4000 रुपये के चेक्स और पट्टा पासबुक तकसीम करेंगे, जिसके तमाम तर इंतजाम पाए तकमील कर लिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से पट्टा पासबुक की तैयारी में स्कैम का जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसको मुस्तरद करते हुए कहा कि उस इल्ज़ाम में ज़र्रा बराबर भी हकायक मौजूद नहीं है। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि किसानों को फ़ी एकड़ 4000 रुपये की माली मदद की मुल्क भर में सताइश की जा रही है, जबकि कांग्रेस कायदीन ने रियासत में सिर्फ अपनी सियासी बखा की खातिर हुकूमत पर तनखीदें की हैं।
उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जिले मेदक में कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसपी ऑफिस का संग बुनियाद रख चुके हैं। इस मौके पर ग्रामपाशी हरीश राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा अराकिन पार्लियमान और अराकिन असेंबली भी मौजूद थे। वादा वरियाला के सियान ने जलसेआम को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इंडियन सोशल क्लब ओमान दखनी विंग के जेर अहतमाम 11 मई जुमा शाम 6:30 बजे आईएससी हॉल वाक़े निज़्द इंडियन स्कूल मस्कत में एक मालूमाती लेक्चर का अहतमाम किया जा रहा है। कन्वीनर डॉक्टर एसएम वासिफुद्दीन और शरीक कन्वीनर मोहम्मद जकाउल्लाह के मुताबिक माहिर तालीम और मारूफ पब्लिक स्पीकर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद उन्वान नोइंग इंडिया एनालाइज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर लेक्चर देंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद अपने 3 रोजा दौरे मस्कत सल्तनत ओमान के लिए 4 शंबे की शाम रवाना हुए और वह इतवार को हैदराबाद वापस होंगे। अपने दौरे के दौरान प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद कई तारिकिन हिंद माहिरीन तालीम और कम्युनिटी कायदीन से मुलाकात भी करेंगे। तेलंगाना एसोसिएशन दमाम के जर अहतमाम इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम मैनेजिंग कमेटी के 9 मुंतखब अराकीन को तहनियत पेश करने की गरज से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में ग्लोबल सदर बज़्मे इत्तेहाद अहमदुद्दीन ओवैसी ने मानवसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। बानी और सदर तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनाजुद्दीन ने एसोसिएशन खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। तेलंगाना एसोसिएशन दमाम के जहर अहतमाम इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम मैनेजिंग कमेटी के 9 मुंतखब अराकीन के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ग्लोबल सदर बज़्म इत्तेहाद और तेलंगाना गल्फ एनआरआईज फेडरेशन अहमदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन ने सदारत की, जबकि 9 मुंतखब IISD मैनेजिंग कमेटी अराकीन सैयद इमरान अली, सफदर सईद मोहम्मद फुरखान और मोहम्मद सनील को तहनियत पेश की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अहमदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से की जा रही खिदमात की सताइश की और तेलंगाना गल्फ एनआरआईज फेडरेशन की नुमाइंदगी के लिए दमाम से तेलंगाना एसोसिएशन की खिदमात लेने का तयखुन दिया। बानी व सदर तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया और एसोसिएशन के जिम्मेदार का तारुफ करवाया। नायब सदर एसोसिएशन मोहम्मद मोइजुद्दीन ने ब्लड डोनेशन कैंप की तफसीलात बताई, जबकि दीगर नायब सदर अशफाक हुसैन ने तालीम के मैदान में की जा रही खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदीब जुल्फ़िकार खाजिन फारूक मिसरी के अलावा कोर कमेटी अराकीन अब्दुल अजीम मिर्जा अफजल बेग, मोहम्मद अफजल अहमद बिन बामजदूस व दीगर भी मौजूद थे। तंजीम हदफ के नईम जावेद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तकरीब में साबिका चेयरमैन IISD मोहम्मद वारिस व दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम IISD मैनेजिंग कमेटी के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिनमें रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करने की गरज से सैयद इमरान अली को रुकन कमेटी की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में तारकीन तेलंगाना ने सैयद इमरान अली को मुबारकबाद पेश की। 4 मई को ऐलान किए गए नतायज में पहला मकाम रामन सुनील ने हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की नुमाइंदगी करने के लिए तिरुना वक्करासु को मुंतखब किया गया। सैयद इमरान अली को मुतादिद एसोसिएशन ने तआवुन पेश किया, जिसके लिए उन्होंने हदिया तशक्कुर पेश किया। IISD साबिका चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल वारिस, शफात खान, मोहम्मद सलमान, रजा अल फरदार और दीगर ने सैयद इमरान अली को मुबारकबाद पेश की है। Yeah!
एसओटी मलकजगिरी जोन ने गुटके की रिसाइकलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया और दो अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता एसओटी मलकजगिरी ने बाबा सूख इत्तला पर साईनगर मेडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद और नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मल्लापुर में धावे किए और दो अफराद 38 साल कमल त्रिवेदी और 42 साल अहमद हुसैन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तकरीबन 30 क्विंटल पान मसाला जिसकी मालियत 50 लाख रुपए बताई गई है जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद में एक शख्स आर के पान मसाला का ओनर बताया गया है। इस सिलसिले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। सर कुछ हैदराबाद फ्रेंड्स एसोसिएशन जिद्दा की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे T20 टूर्नामेंट की अख्तितामी तकरीब अनकरीब मुनक्किद होगी। हैदराबाद फ्रेंड्स एसोसिएशन की जानिब से जिद्दा दक्कन ट्रॉफी का अहतमाम अप्रैल और मई के महीने में किया जाता है। उसकी अख्तितामी तकरीब 11 मई को सुलेमानिया ग्राउंड पर मुनक्किद होगी। इस मौके पर हैदराबाद फ्रेंड्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने तस्वीर कशी अंजाम दी। सदर अशफाक अहमद और फहीम के अलावा इस मौके पर कमेटी मेंबरान मोहम्मद खलील, मोहम्मद फासीउद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, एम जे खान, शाहिद खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वदरहे के इस टूर्नामेंट को एक्जियम, हुसैन परफ्यूम्स, पेप्सी और कान होम फूड सर्विस ने स्पॉन्सर किया है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर मुतलाशियाने रोजगार को सेक्रेटरिएट में पीए की मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देने वाले दो मुलजिमीन गिरफ्तार। दो रुकनी टोली 70 लाख रुपए की धोखाधही में मुलविस। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। RGIA पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में पुलिस ने किया कॉर्डन सर्च। मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। लावारिस गाड़ियां की गई जब्त। CCS मलकाजगिरी मतलूब सारखीन की टोली को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। 29 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। चौबीस घंटे बरखी सरबराह करने के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद। रियासती वजीर KT रामाराव का पार्टी वर्कर्स से खिताब। इसी के साथ रुबरू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बेरखवामी खबरों के लिए देखते रहिए रुबरू न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।